टू चैलेंज कैसल हाइक, दिस इज प्रेम पांडे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा, ये वीडियो हमने उस पीडीएफ के लिए रखा है जो चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई आपकी क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, बट चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार है। और अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है अभी तक तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट जाके हमारे चैनल पे चेक करिए, या इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब ये वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है आपके आने वाले वीडियो को लेकर, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज रेड बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाया है, जैसा कि हम हर चैप्टर के लास्ट में उसके क्वेश्चन आंसर, उसके हार्ड फ्रेजेस की पीडीएफ लेके आते हैं आपके लिए, तो ये पीडीएफ भी हमने चैप्टर नंबर 2 का बनाया है। जल्दी से देख लेते हैं कि इस पीडीएफ के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको अगर चैप्टर अपने से पढ़ना है तो आपको हार्ड फ्रेजेस की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब ये वो हार्ड फ्रेजेस हैं जिनकी मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, आपको इसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके मीनिंग निकालनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये कर दिया है, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ कहां मिलेगा मैं बताता हूं आपको। अब सबसे पहले आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग मिल जाएगी, हार्ड फ्रेजेस की मीनिंग मिल जाएगी। फिर जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में हमारे दो एक्सरसाइजेस होते हैं क्वेश्चन आंसर के, उन दोनों एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब आप बोलोगे भैया आप डिफरेंट क्या कर रहे हो, आप हम तो कहीं से भी ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तो डिफरेंट ये है, आप अगर कहीं से भी ढूंढोगे क्वेश्चन आंसर तो आपको उनके आंसर्स टू द पॉइंट नहीं मिलेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग होंगे। हम इस पीडीएफ में टू द पॉइंट आंसर्स लेके आते हैं और जो केवल आपके काम की हो, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, कोई फालतू नॉलेज नहीं। तो ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। अब दूसरी बात जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, कि लिटरेचर का पोर्शन 2 चैप्टर और 2 पोयम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर का जो पोयम है उसको हम कल तक अपलोड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात ये आ जाती है कि हम सीधा लिटरेचर तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, हमें कुछ ग्रामर के पोर्शन भी कंप्लीट करने होंगे। तो ग्रामर के पोर्शन के लिए अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टॉपिक्स स्टार्ट हुए होंगे, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से ग्रामर के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अब सबसे ज्यादा यार जिस टॉपिक पर कमेंट होगा मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी ये वीडियो पब्लिश भी करूं। तो यार इतनी सी ही रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि आप लोगों के स्कूल में जो भी ग्रामर के पोर्शन चलाए जा रहे हैं, जो भी चैप्टर्स चलाए जा रहे हैं, आप उन चैप्टर्स को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वैसे क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर के पोर्शन तो डिसाइडेड हैं, बोर्ड ने डिसाइड करके रखा है, जैसे नोट मेकिंग हो गया हमारा, मैंने सिलेबस पहले ही बता दिया था। आप इस वीडियो में जाके हमारे क्लास 11th की इंग्लिश का पूरा डिटेल सिलेबस जाके देख सकते हो। ठीक है, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा चलाया जा रहा है और अगर आपको पहला कुछ और टॉपिक चाहिए ग्रामर के, आपको नोट मेकिंग ना करके आपको कुछ दूसरा टॉपिक चाहिए, तो वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हो। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट आएगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।